जेएनयू कैंपस के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ दिलीप कुमार मौजूद हैं। इनसे बात करना आज इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तो ये यहाँ के छात्र हैं और सुबह जब ये कैंपस से निकलते हैं करीब 8-8:30 बजे के करीब, तो देखते हैं कि जेएनयू कैंपस के बाहर भगवा झंडे लगे हुए हैं जो कि हिंदू सेना की तरफ से लगे हुए हैं, लगाए गए थे, और होर्डिंग थी, बोर्ड था जिसपे लगा हुआ था कि भगवा जेएनयू हिंदू सेना। दिलीप जो थे वो यहाँ के छात्र भी हैं, सबसे पहले निकलते हैं, देखते हैं, बाकी अपने साथियों को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। दिलीप, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जब आप सुबह कैंपस से निकले, क्या देखा, कैसे अपने साथियों को इन्फॉर्म किया आपने, फिर आप लोग का क्या रिएक्शन? देखिए, मैं रोज मॉर्निंग में निकलता हूँ वॉकिंग के लिए। जैसे मैं गेट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि बहुत सारे दीवालों पे और टैक्सी के ऊपर जो है सैफ्रन कलर का फ्लैग जो है लगा हुआ था। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें फिर बार बार अगर होएगी तो यहाँ का माहौल जो है बिगड़ रहा है, क्योंकि 10 तारीख को रामनवमी का फेस्टिवल था, उस दिन जो वेज और नॉन वेज को लेकर के हुआ था, तो धीरे धीरे माहौल जो है शांत हो रहा था यहाँ पे। बट अगर इस तरह की चीज़ें फिर अगर कोई कर रहा है तो धीरे धीरे जेएनयू का माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें खास करके जेएनयू के सामने और जेएनयू के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेएनयू जो है एक टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट रिलीजन के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं, और इसको इसी तरह का माहौल रहना चाहिए कि यहाँ से बच्चे निकल के जो है देश के लिए या राष्ट्र के लिए कुछ योगदान करें। लेकिन अगर यहाँ पे कोई राजनीतिकरण, अगर कोई पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई पार्टिकुलर फ्लैग को यहाँ पे जो है फ्लैश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो है कुछ विशेष विचारधारा से प्रभावित लोग ही करते हैं, जो कि धर्म को या एक पार्टिकुलर फ्लैग को जो है टूल के रूप में यूज करके जो है उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, और ये काफ़ी निंदनीय है। इस तरह का चीज़ें नहीं होना चाहिए। मैं भी हिंदू हूँ, जन्म से भी और कर्म से भी हिंदू हूँ। मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर इस तरह का कोई चीज़ कर रहा है तो काफ़ी मुझे ठेस पहुँचता है। आपने कहा काफ़ी ठेस पहुँचता है, ये बताइए मुझे कि रामनवमी के दिन से हम देख रहे हैं जेएनयू में तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एक हॉस्टल मेस से शुरू हुआ मामला जो है अब यहाँ तक पहुँच जाता है कि बाकी जो बाहर की पार्टियाँ हैं वो भी सक्रिय हो जाती हैं कैंपस की इस चीज़ में, तो क्या लगता है आपको कैंपस के लिए ये कितना नुकसानदेह? देखिए, इस तरह का अगर कोई माहौल क्रिएट कर रहा है तो न तो ये छात्र हित, न ही राष्ट्र हित, और न ही जो है जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के लिए सही है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है जेएनयू के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे बच्चे पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो है एजुकेशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। आपके यहाँ पे टीचर्स या फिर वीसी या बाकी लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या कुछ आप लोगों को वहाँ से कहा गया या आपने अपने टीचर्स को जब कन्वे किया तो किस तरह का माहौल अभी कैंपस के अंदर है? देखिए, यहाँ पे सारे बच्चे लगभग डरे हुए हैं, क्योंकि अगर इस तरह का माहौल होता है और पहली बार बहुत सारे ग्रामीण एरिया के या बहुत सारे जो दलित शोषित बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं और उसे लगता है कि मुझे यहाँ से कुछ पढ़ के आगे कुछ करना है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने फैमिली के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह का चीज़ हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है हिंसात्मक होता है, तो काफ़ी बच्चे डरे हुए थे, बहुत सारे बच्चे घर भी निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का चीज़ें नहीं होना चाहिए, एक पीसफुली जो है माहौल क्रिएट होना चाहिए जेएनयू के अंदर। और मैम भी जो है एक्शन में आई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टीम गठित कर चुकी है, और जैसे ही जाँच रिपोर्ट आता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगा और जो रिपोर्ट जो है आप लोगों को शेयर भी किया जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर जेएनयू के बाहर छात्र जो हैं, जो सबसे पहले मौजूद थे दिलीप कुमार, उन्होंने सबको बताया कि किस तरह से यहाँ पर झंडे जो हैं कैंपस के बाहर लगे हुए हैं, हिंदू सेना की तरफ से भगवे झंडे लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि इस तरह का माहौल अगर कैंपस के आसपास या कैंपस के अंदर बनता है उससे वाकई ही स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मध्य एबीपी न्यूज़ दिल्ली।